फिर साथियों के साथ बैठकर दारू पीऊंगा और जुआ खेलूंगा। बेटे पंकज का बाबूजी आप मेरे पास आए, इतना कष्ट किए, मुझे बुला लिए होते तो मैं खुद ही चलाता। अरे बेटा पंकज, अगर मैं ही आ गया तो क्या हुआ? पंकज मैं तुमसे एक बात बताने के लिए आया हूँ बेटा। बाबूजी मुझसे क्या बात बताना चाहते हैं? पंकज तू तो जानता है कि ये पार्वती तेरी सगी माँ नहीं है, ये तेरी सौतेली माँ है, और सरदेव तेरा सगा भाई नहीं है, ये तेरा सौतेला भाई है। लेकिन आज इस रियासत का मालिक पर्वतीय संत सेवा को बनाना चाहती है बेटा। अगर इस रियासत का मालिक संत सेवा बन गया तो बेटा तू दर्द की ठोकर खाएगा। इसलिए मैं तुमसे एक बात और बताने के लिए आया हूँ। मैं पार्वती इस रियासत का मालिक अपने बेटे संतोष वाला मेरे साथ धोखा करना मेरा धोखा करना चाहती है। मुझे क्या करना है बाबूजी? सुनो मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या करना है। कोई नहीं आएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ बाबूजी मैं पर्वतिया का कत्ल कर दूँ। हाँ बेटा पंकज यही चाहते हैं ना? मैं यही चाहता हूँ। तो मेरी बात सुनो बाबूजी, कहो क्या कहना है। कर देता हूँ ये खबर खाने तक आएगी, पुलिस आ जाएगी तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। अरे बेटा इससे मैं क्यों चिंता करता है मैं हूं ना? अरे तुमको तो मालूम है कि अदालत मेरे यहाँ लगता है, फैसला वही होता है जो जगन्नाथ चाहे चाहे। नहीं आएगी लेकिन मेरा होशियारी के साथ काम करना, तब किसी को मालूम ना हो और की कहानी खत्म हो जाएगा। बाबूजी आप चल करके आराम कीजिए, कल का उगता हुआ सूरज पर्वतिया नहीं देखता हूँ। मैं चल रहा हूँ, आराम करता हूँ, लेकिन मैं फिर दोबारा समझा रहा हूँ बेटा, किसी की निगाह तुम्हारे ऊपर ना पड़े और पर्वतिया की कहानी खत्म हो जाए। लाल बहादुर भैया ये माँ पार्वती मेरे साथ धोखा
क्या करना चाहती है। का महाभोसा हो रहा है, इस रियासत को अपने बेटे संतोष को देना चाहती है। बस इसी बात का मुझे गम है। और उसी के साथ साथ दूर दराज से आए हुए नौटंकी देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। इसी के साथ साथ मेरा परिचय लीजिए। साथियों, मेरा नाम शेखर है, महरुआ जिला ग्राम शांतिपुर का रहने वाला हूँ। बाबूजी, मेरे माता पिता ने मेरे घर की गरीबी को देखकर आत्महत्या कर ली। और सदमा मेरी बहन सावित्री ने बर्दाश्त कर पाई। बहन सावित्री का बहुत पता लगाया, लेकिन अभी तक कहीं पता नहीं चल रहा है। मैं मेहनत मजदूरी करके बीए पास किया हूँ और पुलिस इंस्पेक्टर का वार्ड निकला था, फार्म भी भर दिया, लेकिन कभी वहाँ से कोई सुनवाई नहीं आई। मालिक ने सारी दुनिया का दुख मेरे ही झोली में डाल दिया है। दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ तब जाके मुझे दो वक्त की रोटी नसीब होती है। क्या करूँगा इस संसार में जीकर, किसके सहारे दूंगा। चल रहा हूँ जिस तरह से मेरे माता पिता ने आत्महत्या कर ली, तरह से मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। शेखर के झोपड़ी पर कैसे पड़े सर? यानी का मतलब आपका नाम
शेखर है। हाँ सर। ये आपकी झोपड़ी है। हाँ सर। शेखर का तो मैं पता लगा रहा था, उसी को ढूंढ रहा था, लेकिन तुम मिल गए बड़े मौके से। ये रही आपकी चिटकी आई है। चिटकी क्या है? अरे कहा यार खत लाए हुए। हाँ हाँ सर, आज मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए ईश्वर की दया से मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई है सर। भगवान करे भैया, बजरंग बली से निवेदन बाकी आपको रोजी रोटी भजन लग जात में एक सरकारी नौकरी हो जाए और हो एक पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी हो रही है। अच्छी बात है भैया, हमारो दुआ लाके हमारो आशीर्वाद रहा। और लेकिन एक बात क्या है भैया, देखा सुबह सुबह का वक्त है, बहुत टाइम तो दुआ पधारे भैया, आपसे ज्यादा लाइन मात्र 30 रुपया हम कर दे दूंगा।